तो हम बात कर रहे हैं डैशबोर्ड्स की, हम डैशबोर्ड्स की बात कर रहे थे, तो हमने आपको एक्सेल के जो डैशबोर्ड थे वो हमने आपको समझाया। एक्सेल के जी डैशबोर्ड्स में हमने बात की, फिर हमने बोला कि डैशबोर्ड बनाते समय जरूरी हो कि डैशबोर्ड हमारा क्या है, हमारा लाइव प्रोडक्टिविटी है। तो अब जरूरी थोड़ी है कि आपका जी डैशबोर्ड एक्सेल पे बनने लायक ही आपको चीजें मिलेगी। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो कि एक्सेल से पॉसिबल ना हो, राइट? तो उसके ओके लिए आपको वीवीए का कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। यही चीज हम आपके साथ बातचीत करेंगे आज की क्लासेस में। तो एक बार जो पिछली वीडियोस थी उस पे एक बार ये कर लेते हैं, क्योंकि आप काफी टाइम बाद ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार जी हम ब्रशअप कर लेते हैं कि अभी तक हमने डैशबोर्ड की वीवीए में क्या सीखा। जी ठीक है, जी सर तो इसलिए एक बार हम बात कर लेते हैं उन चीजों पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ द वीवीए बताया कि कैसे प्रिपेयर होगा आपका। जी हमने बताया कि आपको डेवलपर टैब चाहिए, आप विजुअल बेसिक पे जाके कोड करेंगे, राइट? जी उसके बाद हमने आपको समझाया कि आप जिस फाइल पे कर रहे हो उस फाइल का यहाँ नेविगेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे काफी जी फाइल खुली है, तो एक बार मैं सारी फाइलें बंद कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वर्कबुक को कैसे हैंडल करेंगे, सीट को कैसे हैंडल करेंगे और रेंज को कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। जी तो चलिए हम विजुअल बेसिक पे आते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल, हम जो भी यहां इंसर्ट से जो भी काम करते हैं मॉड्यूल पे करते हैं, राइट? जी तो मॉड्यूल हमें करेंगे। तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि हमारे पास जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, एप्लीकेशन एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। हम बात किए थे आपके साथ कि हम वर्कबुक के बारे में हम वर्कबुक जानते शीट हैं, का शीट और शीट्स होता है रेंज और रेंज होता है। रेंज जी रेंज को कैसे यूज करना है, ये चीज हमने डिस्कस किए थे। अब चलिए कुछ जी चीजें हम बात कर बताइए जी लेते हैं पीवी के थ्रू। जो डैशबोर्ड में जरूरत पड़ती है मेनली फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म टाइप की चीजों की जरूरत पड़ती है। मोस्टली हम फंक्शन फंक्शन में क्रिएशन वगैरह करते हैं। तो आपको मैंने मोटा मोटी समझा दिया था कि हम कैसे वीवीए कोड लिखते हैं और किस तरह से वीवीए कोड पे वर्क करते हैं। जी अब इसके बाद हम जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? ओके तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको यहां लिख पहले जान लीजिए कि फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले आपके कुंदा होना चाहिए, किसका फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो। तो बेसिकली आप एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं कि दो सब्जेक्ट को, मतलब कि ए आपका 50 है ए आपका 60 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे दें, राइट? ओके तो कैसे फंक्शन क्रिएट करेंगे, चलिए हम आपको समझाते हैं कि फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। देन बात करेंगे कि हम इवेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे। अब जैसे मैंने यहां पे सबसे पहले यहां पे लिखा फंक्शन, फंक्शन में हमने यहां पे लिया MMULT, कोई भी आप जो है ना नाम दे सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि पहले से जो डिफाइन फंक्शन है वो नहीं होना चाहिए। फिर ब्रैकेट अच्छा हमने ओपन किया, अब फॉर्मूले में इनपुट, तो मुझे दो इनपुट देने हैं, तो यहां पे अब एन की जगह कुछ भी ले सकते हैं। हमने एन एज ए एन मतलब नंबर एज ए हमने ले लिया लॉन्ग, ठीक है? और ओके आपका मान, अब लॉन्ग क्या है, नंबर के लिए हम लॉन्ग लेते हैं, टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग लेते हैं और डेट एंड टाइम के लिए हम डेट लेते हैं। और सब कुछ लेना हो आपको पता नहीं क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता है, देन हम अब ए लेते हैं, वेरिएंट लेते हैं, राइट?
एन ओके एन वन एज ए अगेन हमने कर दिया लॉन्ग, तो ए हमारा हो गया। देखिए फॉर्मूला का तीन स्टेप होता है। फर्स्ट होता है डिक्लेरेशन, कि आपको फॉर्मूला डिक्लेयर कर लीजिए क्या क्या इनपुट है, डिसाइड कीजिए। इनपुट क्या होता है, जैसे कि आप इफ फॉर्मूला को ही ले लीजिए। इफ फॉर्मूला में क्या है कि जब इफ फॉर्मूला आप लगाते हैं तो तीन इनपुट है ना जी, तो इफ फॉर्मूला बनाते समय आपको यहां पे तीन वेरिएबल डिजाइन करने पड़ेंगे जी बिल्कुल। तो यहां भी हमने सेम ऐसा ही किया है। तो यहां जो फॉर्मूला यहां पर देखिए क्या होगा, अब मैं एम यू एल टी मल्ट आ गया फॉर्मूला हमारा यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, हमने पहले को सिलेक्ट किया कॉमा दूसरे को सिलेक्ट किया। अब यहां पे ध्यान दीजिए A1 की जो वैल्यू होगी वो N पे स्टोर हो जाएगी और B1 की जो वैल्यू होगी वो N1 पे स्टोर N1 पे स्टोर हो जाएगी। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन राइट सर जी। तो कैलकुलेशन में अब यहां पे दूसरा स्टेज आता है कैलकुलेशन। तो एक और मैं रिजल्ट के लिए डिम आर एज ए, अब देखिए यहां पे लिखिएगा तो डिम लिखने की जरूरत नहीं है, बट जब बीच में बॉडी में करना होगा तो डिम डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिम एज ए लॉन्ग, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी तो नंबर आने वाला है ना सर जी जी जी। तो यहां पे हमने लॉन्ग कर दिया। अब यहां पे आर इक्वल टू हमने बोला एन मल्टीप्लाई बाय एन वन। अब जो रिजल्ट कहां स्टोर है, आर पे। तो दूसरा फेज है आपका कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं तीसरा फेज असाइनमेंट, कि रिजल्ट जो है आपका आर पे है, वो आगे भी आया नहीं है। तो एम मल्ट इक्वल टू हमने यहां पे आर कर दिया, तो क्या होगा, अब यहां पे रिजल्ट आपका शो कर जाएगा। शो कर गया सर जी, क्लियर है जी सर, इसमें डाउट कोई नहीं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा डेसिमल नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपका नंबर डेसिमल में भी हो सकता है तो लॉन्ग की जगह पे क्या करेंगे, डबल करेंगे। ठीक है ओके डबल डबल। अब बात करते हैं कि आके सॉरी डी ओ यू डी ओ। अब बात करते हैं कि हम माइक्रो इसका डैशबोर्ड में हम इसका इस्तेमाल क्या क्या करते हैं, मतलब क्यों करते हैं डैशबोर्ड का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं राइट। जैसे हमने नेम दिया, नेम हम यहां पे देते हैं पूजा राइट जी, और मान लीजिए यहां पे Jan-Feb का मंथ हम देते हैं यहां पे। और यहां हमने अपने नंबर्स दे दिए राइट जी। तो ये लीजिए मान लीजिए डेटा आपने पिवट के थ्रू या आपने समिट फॉर्मूले से आपने अपने डेटाबेस से टोटल ला लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर चार्ट बनानी है। अब पूरे को सिलेक्ट करके तो चार्ट बनाई जा सकती नहीं है ना सर जी, पूरे के ऊपर तो सिलेक्ट करके चार्ट बनाई जा सकती है नहीं, वो नहीं नहीं तो काम में हो सकता है ज्यादा डेटा हो। तो याद होगा मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग का मेथड समझाया था, यहां पे हमने वन लिखा और यहां पे हमने फॉर्मूला लगा दिया ऑफसेट का। ऑफसेट का, ऑफसेट में हमने ऊपर सेलेक्ट किया कॉमा नीचे सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया एंड यहां पे हमने जीरो कॉलम कर दिया, तो पूजा आ गया। अब आगे बैक करने से पहले A16 को हमने फ्रीज कर दिया, लॉक करना पड़ेगा जी, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे चार्ट लगा दिया। अब इस चार्ट लगा दिया, अब इसकी चार्ट के लिए हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने इसके लिए क्या किया था कि हमने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स लगाया। हाँ जी, इस बार मैं कॉम्बो बॉक्स नहीं लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहां कर्सर रखूं, जैसे यहां कर्सर रखा है सर जी, तो ये ऑटोमेटिकली जो है नाम पे जैसे कर्सर रखा वो चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अच्छा समझ गया। हाँ जी, नेम पे मैं जैसे ही कर्सर रखूं ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर दे। तो कैसे होगा ये,
तो इसके लिए हम इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग मतलब मैक्रोज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए डैशबोर्ड में हमने बताया आपको कि मैक्रोज की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये आपका होगा इवेंट पे, तो हमने राइट क्लिक किया और चला गया किस पे, व्यू कोड पे। व्यू कोड में सीट वन पे आ गए, हमने यहाँ पे वर्कशीट लिया और यहाँ पे हमने इवेंट क्या किया, सिलेक्शन। देखिए जब मैक्रोज बनाते हैं तो मैक्रोज बेसिकली तीन तरह के, दो तरह के होते हैं। पहला आता है पब्लिक मैक्रो, दूसरा होता है आपका इवेंट मैक्रो। पब्लिक मैक्रो जो आपने मॉड्यूल्स में बनाया ये चीजें, इसको रन करना पड़ता है ना, फंक्शन फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है, जब अप्लाई करो तभी होगा। लेकिन जब हम इवेंट की बात करते हैं कि मेरे किसी एक एक्शन पे मेरा काम हो जाए, तो मैं चाहता हूं कि मैं जहां भी क्लिक करूं उसकी जो रो सीक्वेंस नंबर है 1 2 3, है ना सर, ये 3 जो है यहां पे आ जाए, कहां पे, A16 के ऊपर, क्योंकि जैसे यहां 3 आएगा अपना ऑफसेट अपना काम कर देगा ना सर। हाँ जी, वो उस पर्टिकुलर उस रो का डेटा को ले लेगा। तो यहां से नंबर देना है, जैसे मोहन पे क्लिक किया तो यहां पे आ जाना चाहिए 2। हाँ जी, तो कैसे हो गए जी। तो इसके लिए हमने इवेंट पे आया और हमने बोला यहाँ पे क्या, जहां हम क्लिक करते हैं ना वो देखिए यहाँ टारगेट डिफाइन है, क्या डिफाइन है, टारगेट। अभी टारगेट को हम यहां लेते हैं, अब जो कुछ भी करना है मैं जहां सिलेक्ट करेंगे उसी सिलेक्शन कुछ भी हो सकता है ना, अब A1 B1 C1 सब दे नहीं सकते, तो यहां पे इसने टारगेट डिफाइन कर दिया। तो टारगेट को ही लिया और मैंने यहां पे बोला कि टारगेट यहां पे रेंज A16, ए सिक्सटीन हमारा फिक्स है ना जी, A16 इन्वर्टेड कॉमा में A16 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट डॉट रो, लेकिन -1 क्योंकि ऑफसेट लगा है ना सर। हाँ जी, यहां पूजा पे क्लिक करें कुछ आना चाहिए। अब जैसे यहां पे मैं पूजा पे क्लिक किया तो आ गया पूजा का, यहां पे 3 आ गया, नहीं 3 क्यों आ गया, +1 आ गया, माफ कीजिए, -1 करना था। तो यहां मोहन पे क्लिक किया तो मोहन का आ गया चेंज हो रहा है जी। जी क्या सर। हाँ जी सर, कोई डाउट इसमें। लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं यहां क्लिक करूंगा तो यहां भी इसका भी दे देगा। सो आपको हमें इवेंट को लिमिटेड करना है, हमें इवेंट को ऐसा नहीं करना है कि उसको बढ़ाना है, हमें इसको लिमिटेड करना है। ओके, मतलब कि मैं चाहता हूं कि कॉलन ए पे क्लिक हो तभी रन हो और कॉलम ए पे भी 2 से 13 के बीच में चले तभी रन हो, तभी यहाँ पे नंबर चेंज करे, अदरवाइज चेंज ना करे। तो इसके लिए हमें कंडीशन लगाना होगा, जैसे एक्सेल में हम कंडीशन के लिए इफ इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से यहां भी हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। हम यहां लिखेंगे इफ इफ टारगेट टारगेट डॉट रो राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं, माफ कीजिएगा 2 एंड अगेन टारगेट डॉट रो ठीक है जी इज लेस देन इक्वल टू 12 अगेन एंड टारगेट डॉट कॉलम इज इक्वल टू 1 दैट और फिर यहां पे एंड इफ करना होगा। तो हमने अपनी अपनी जो हमारा जो इवेंट था, हमारा जो कोड था, उसको हमने कहां रख दिया, हमने इसको रख दिया इफ के अंदर जी राइट। तो कहने का मतलब है कि एक कंडीशन जब मैच होगा तभी इफ इसको वर्क करेगा, इफ लगाने का तरीका समझ गए जी। ये सर 2 से लेके 12 तक चल रहा है और ये टारगेट कॉलम 1 क्या हुआ हमारा, एक कॉलम 1 पे ही होगा ना ए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मान लो किसी ने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, समझ गया। क्लिक यहाँ पे हो, जैसे इंदु पे क्लिक हुआ, यहाँ क्लिक हुआ, यहाँ क्लिक हुआ, यहाँ क्लिक हुआ। ओके, तो इस तरह की चीजें आपके डैशबोर्ड में अट्रैक्टिव दे सकता है ना सर।
जी बिल्कुल कि आप क्लिक करें वहां पे आपको दिख जाए। अब क्लिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा माउस पॉइंटर जाते ही मेरा नंबर चेंज हो जाए। बात समझे सर? अच्छा माउस जी, पॉइंटर जाते ही मेरा कर्सर चेंज हो जाए। अच्छा उस पे क्लिक ना करो, बस हल्का सा उस पे, मतलब माउस अगर कर्सर जाएगा तो जी वो उसको शो अब कर चलिए मैं देगा। इसी डेटा को उठाता हूं अगले एग्जाम्पल में, ठीक है, और मैं ऑफसेट का यूज करता हूं। ऑफसेट का यूज करने के बाद मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे इसको कॉपी करता हूं, यहां पे इस करता हूं, राइट, यस कर दिया। और यहां पे मैं लिखता हूं 1, और यहां लगाता हूं फॉर्मूला ऑफसेट का, किसका, ऑफसेट। ऑफसेट में मैंने ये इसको सेलेक्ट किया और बोला कि 0 कॉलन एंड कॉमा, क्योंकि मुझे इसमें कॉलम वाइज चल रहा है ना सर। अच्छा, और A1 को हम यहाँ पे रख देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नीचे ड्रैग कर देते हैं। नहीं, दिक्कत हो गई इसमें, 16 को फ्रीज प्लीज करना करना होगा, बोलो। ये हमें 16 हमने इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है, जी ये आ गया हमारा रिजल्ट। इस पे हमने मान लीजिए जी कि एक चार्ट बनाते हैं, या इंसर्ट में हम यहां पे मान लीजिए कि एक चार्ट यहां बना देते हैं, इसी चार्ट को, इसकी फॉर्मेटिंग एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग हम चूज कर लेते हैं, राइट। अब यहां जो हमने यहां पे जो जैन फैब रख रखा है, राइट, मैं चाहता हूं कि मैंने इस पे जैसे कर्सर रखा तो इसका अपने आप हो जाए, तो मैं एक बार चार्ट को हटाता हूं, चार्ट में ही पर रखता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, ठीक, बड़ा करता हूं, खुद बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा, और इसको सेंटर कर देता हूं, अलाइनमेंट में सेंटर। अब मैं यहां पे जैन फैब जो हमने लिखा हुआ है ना सर, अब ये जी जैन फैब इससे नहीं आना चाहिए, फॉर्मूला से आना चाहिए, ठीक है, यहां पे ओके फॉर्मूला से आना चाहिए। तो इसके लिए हमें मॉड्यूल्स में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन, राइट। फंक्शन में हमने यहां पे लिख दिया मंथ, MM के नाम से बनाते हैं, MM के नाम से बनाते हैं, और यहां पे लिखते हैं एन एज ए रेंज, राइट, ओके नहीं रेंज नहीं नंबर, माफ कीजिए, एन एज ए यहां पे लिखते हैं हम, हाँ एन एज ए लॉन्ग नंबर देते हैं। और हमने यहां पे क्या किया, हमने सिंपल सा लिखा कि रेंज A16, A16। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा एक चीज यहां पे है, डॉट वैल्यू इक्वल टू एन। अभी हमने फॉर्मूला, ये जो हमने लगाया ये फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे MM फॉर्मूला लगा के इसके अंदर हमने 1, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 डाल दिया, तो ये फॉर्मूला आपका एरर देगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका VVA फॉर्मूला होता है वो VVA फॉर्मूला कभी भी किसी रेंज के ऊपर क्लिक नहीं करता है, कभी भी किसी रेंज के ऊपर क्लिक नहीं करेगा, राइट सर। अच्छा जी तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, इसलिए कि इस फॉर्मूले को हम वर्क कराएंगे किसकी मदद से, हाइपरलिंक की मदद से। ओके तो मुझे यहां जो जैन फाइव मार्च आपको दिख रहा है ना सर, मुझे इसको जी नंबर में शो करना होगा, नंबर में। तो सबसे पहले अगर मैंने यहां पे 1 लिखा तो इस 1 को जैन में कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन देना होगा सर। तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पे कॉलम का फॉर्मूला लगाते हैं। अब कॉलम के फॉर्मूले में हम यहां पे करते हैं -1, तो ये आपका 1 2 3 4 5 नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमें यहां जी पे नंबर ही देना है, राइट। जी अब इस नंबर को मैं हाइपरलिंक फॉर्मूले के अंदर में डालता हूं, हाइपरलिंक, हाइपर लिंक के अंदर जो लिंक लोकेशन है उस लिंक लोकेशन में हम MN को डालते हैं, समझ गए। तो जी यहां एंटर प्रेस कीजिए, तो ये आपका एरर दिया,
एरर दिया ना सर, जी एरर देने के बाद इसको हम अगेन इफ एरर फॉर्मूले में डालेंगे और बोलेंगे कि भाई एरर के जगह पे हमें जैन फैब मार्च इस तरह से आना चाहिए। ओके बट आएगा कैसे, क्योंकि तो यहाँ पे अगर 1 2 3 लिखेंगे तो एक एक करके लिखना पड़ेगा ना सर। हाँ जी तो इसके लिए कुछ वाय करना पड़ेगा कि वीवीए में एक्सेल में ऐसा आपका नहीं है कि आप 1 को जैन 2 को फैब और 3 को मार्च में कन्वर्ट करें। इसके लिए आपको चूज लगाना पड़ेगा या इफ लगाना पड़ेगा जो कि दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे जैन लिख के आपका इसका ये बता देता हूँ कि ये क्या है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, राइट, ठीक है 5 लिख दिया ना सर, 5 आ रहा है नंबर 5 इसका लिख आ रहा है। अब जैसे मैं इस पर अपना माउस पॉइंटर ले जाऊंगा, एक मिनट एम एम दैट इज नॉट वैलिड, इस पर कर्सर जाते हैं यहां पे 1 हो जाना चाहिए था। यहाँ पे कर्सर जाते ही यहाँ इसको 1 हो जाना चाहिए था, फिर ये वर्क नहीं कर रहा। ओ हाँ गलती, एक मिनट, इसमें हमने मॉड्यूल्स में तो ही लगाया एमएम फंक्शन एमएम एज ए लॉन्ग देन a16.value और a16.value इक्वल टू एम, इस पे जब कर्सर गया तो ये दिख जाना चाहिए 5 पे 5 है। एक मिनट कि मैं इफ एरर हटाता हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा है, लग रहा है कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्योंकि इस एग्जांपल को मैंने बहुत दिन बाद यूज किया है सर, इस एग्जांपल को मैंने बहुत दिन बाद यूज किया है। ओके इसमें हम एक काम करते हैं, कॉलम नंबर देते हैं और एम एम फॉर्मूला एमएम फॉर्मूला में लिंक लोकेशन। अच्छा एम एम फॉर्मूला आप लिया इसमें, हम यहाँ पे लिख दिया 1 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हमने क्लिक के नाम से यहाँ पे जैन चला जैन के नाम से हमने यहाँ पे दिया। ये सर यहाँ जो कोड है यहाँ पे ये जनरली रहेगा, ये वर्कशीट रहेगा नहीं, यहाँ से तो हम फंक्शन बना रहे हैं ना, तो इवेंट माइक्रो में होता है ना हमारे। ओके इसमें ओके एम अंडरस्कोर एम करते, हो सकता है नेम वगैरह में प्रॉब्लम हो, एमएम नाम का फॉर्मूला पहले से हो। एरर देगा और इसको हमें देना है लिंक, इसमें इफ एरर इफ एरर तो यहाँ पे हमें जाए। आ गया सर, आ गया ना जी, 1 आ गया ना सर जी, एक बस यहाँ ये नाम एम एम नाम रिजर्व था इसलिए नहीं ले रहा था। अच्छा ठीक है ना, तो क्या हुआ कि एज जो है ये डायरेक्ट तो रन नहीं करेगा आपको, कहने मतलब ये है कि आप इसको फंक्शन के जरिए डायरेक्ट रन नहीं करा सकते हैं, तो इसको हमने क्या डाला हाइपर लिंक में डाला, राइट सर।
अच्छा हाइपरलिंक फॉर्मूला ये होता है कि वो लिंक बनाता है, तो हाइपरलिंक में जी मैंने वो फॉर्मूला जो एमएम का फॉर्मूला था वो एमएम का फॉर्मूला डाला, हाइपरलिंक में हमने क्या किया एमएम का फॉर्मूला डाला, ठीक है। जी अब प्रॉब्लम यहां पर है कि एमएम का फॉर्मूला को लिंक लोग एमएम का फॉर्मूला को जस्ट मैक्रो जरा कुछ रिजल्ट तो करेगा नहीं, अभी आपने देखा कि एमएम का फॉर्मूला एरर रिटर्न कर रहा था, जी तो हमने इफ एरर में दे दिया और बोला कि जैन शो करो, तो इस तरह शो किया, लेकिन जब इसके ऊपर कर्सर जाएगा तो हाइपर लिंक फॉर्मूला अपने लिए इस एमएम फॉर्मूला को रन करवाएगा, जब एमएम फॉर्मूला रन होगा तो इसने क्या बोला है कि जो इसके अंदर जो इनपुट है वो कहां डाल दो A16 A16 में डाल दो, तो A16 अब यहां पे मिनिमल वन है तो यहां पे मैंने क्या किया कॉलन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ओके तो कॉलन का फॉर्मूला सीक्वेंस नंबर देगा, जैसे देखो 1 2 3 4 5 दे रहा है, जी 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 माइनस वन कर देता हूं, तो इससे क्या होगा कि जैसे इस पे कर्सर रखेंगे ये आपको वन दिया, अब इसको हम आगे ड्रैग कर देते हैं, तो आगे पे ड्रैग कर दिया, अब सब पे जैन जैन दिख रहा है ना सर, जैसे मैं इस पे नंबर डालूंगा कॉलम का फॉर्मूला डालते ही वर्क करना बंद कर दिया, अच्छा कॉलम का फॉर्मूला डालते ही वर्क करना इसने बंद कर दिया, अच्छा कॉलम का फॉर्मूला के अंदर को हम ब्रैकेट बंद कर देते नहीं, कॉलम का फॉर्मूला डालते ही वर्क करना छोड़ दिया इसने, ठीक है। तो इसके लिए कॉलम का फॉर्मूला नहीं, हमें एक ऊपर करते यहां पे कॉलम का फॉर्मूला ले लेते हैं, कॉलम माइनस वन ये आता है, फंक्शन जो है कोई और फॉर्मूला एक्सेल फॉर्मूले एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसमें हमने कॉलम का फॉर्मूला नहीं दिया, इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया इसको ऊपर वाले को, आ गया सर। अब इसको ड्रैग करते हैं, सब में जैन है, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया सर। अब मुझे यहां पे एक और फॉर्मूला बनाना है, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक और फंक्शन बनाना, फंक्शन में मंथ नेम एम अंडरस्कोर एन किया हमने और यहां पे कर दिया एन एज ए, यहां पे एन एज ए हमने कर दिया ऑल्सो लॉन्ग, और हमने यहां पे इसका रिटर्न टाइप जो है एन एज ए स्ट्रिंग कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला जो रिटर्न देगा वो स्ट्रिंग देगा, तो एम अंडरस्कोर एन इक्वल टू हम यहां पे डाल रहे हैं मंथ नेम का, एक मंथ नेम का फॉर्मूला बीबीए में होता है, जो मंथ का आप देते हैं जैसे हमने यहां पे दे दिया एन नंबर डाल दिया वन और हमने इसको छोड़ दिया फिलहाल, तो इसमें क्या होगा कि हमें जो जैन का फायर जो दिख रहा है ना मेमोरी जो हमें लिखे हुए हैं इसके जगह पे हम एम अंडरस्कोर एन वाला फॉर्मूला लेंगे, एम अंडरस्कोर एन वाला फॉर्मूला लेंगे और इसको हम ऊपर में सिलेक्ट करते, ठीक है। ओके तो जनवरी आ गया पूरा, ऐसे मैं कॉमा ट्रू कर देता हूं सर, ट्रू करता हूं तो क्या आएगा जैन आ गया, अब इसको मैंने ड्रैग किया, अब कर्ज लगते ही फैल हो जाता जी, नहीं अभी चेंज नहीं हो रहे है। हाँ ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 16 कर दिया बल्कि 17 होना चाहिए, जैन पे कर सकता वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गया, B1 1 एन डुप्लीकेट हो गया है, एन के जगह पे हम एम करते हैं, ठीक है।
ठीक है सर, कोई दो दो नाम था ना, एक ही नाम के दो अच्छा, सारे एन, उनको अलग हाँ कर जी रहा हाँ है, जी हाँ उदाहरण फाइव आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया। जी अब इसको हम जो है इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा ठीक करते हैं, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और फिल में, और फिल में यहां पे फिल इफेक्ट, इसको लेते हैं और व्हाइट के जगह पे मैं हल्का ग्रे ले लेता हूं। ठीक है, हो गया। और ये जो कलर दिख रहा है उसको हम कर देते हैं बोल्ड, ये जो नाम है उसको कर देते हैं बोल्ड, और इसकी कलर जो है फॉन्ट कलर हम रेड के जगह पे, इसके जगह पे हम ये डाल देते हैं। अब बेटर दिख रहा है ना सर? हाँ जी। और फिर चार्ट को हम इसी हिसाब से यहां अरेंज कर देते हैं ऊपर, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके हम जाते हैं फॉर्मेट चार्ट एरिया में, इसकी नहीं इसकी बैकग्राउंड बता रहा है, ये कर दीजिए बैकग्राउंड, फिर किसी का डेटा दिख जाएगा, फिर जहां डैशबोर्ड बनाइएगा ना वहां इसको आप इसी हिसाब से रखिए इस तरह से। अब जैसे आपने जैन पे क्लिक किया, जैन का डेटा, फैट पे किया फैट का, मार्च पे क्लिक किया मार्च का आ गया, ठीक है, समझे सर? जी सर। कोई डाउट्स में नहीं, क्लियर है जी। तो इस तरह की चीजें हम यहां पे करते हैं, राइट? जी सर। अब इसमें और आगे क्या हो सकता है, तो इसके लिए मुझे इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। इंटरनेट में हम आते हैं और यहां पे हम एक दिल्ली का चार्ट लेते हैं, यहां पे दिल्ली मैप, ठीक है, क्योंकि मैप देखता हूं कौन कौन से अच्छे मैप है उस हिसाब से नॉर्थ वेस्ट कर रहा है नहीं अच्छा लेता हूं, दिल्ली जोन मैप, दिल्ली जोन मैप, ठीक है। इसको कॉपी करके हम एक्सेल सीट बनाते हैं, अभी तो एक्सेल सीट को बड़ा कर दो क्योंकि यहां फिलहाल वीवीए का यूज कोई नहीं, इसको मैंने बड़ा कर दिया। और यहां पे हम नेम देते हैं, नेम में पूजा इस तरह से, राइट जी। और ये जोन वाइज हो जाता है हमारा, यहाँ पे आता है नॉर्थ, ये होता है हमारा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो फिलहाल हम कहते हैं नॉर्थ को नॉर्थ ही लेके चलते हैं, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली को नॉर्थ दिल्ली के चलते हैं और वेस्ट दिल्ली को वेस्ट दिल्ली के चलते हैं, राइट जी। फिलहाल इतना चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ईस्ट और साउथ लगे हैं और सेंट्रल, सेंट्रल, समझ गए। तो ये इसका सर, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि यहां पे Thank you.
सबसे पहले तो नाम यहां लिखते हैं, इस तरह से माफ कीजिए, इस तरह से लेते हैं। पहला तो हमें जिस बंदे का नाम हम सिलेक्ट करेंगे, जिस महीने के बंदे पर हम क्लिक करेंगे, उस बंदे का सेल आना चाहिए, ठीक है। और एक हम और ओवरऑल बंदे का चार्ट चाहते हैं जो कि एरिया वाइज होगा, समझ गए? ओके। तो सबसे पहले तो यहां पे हमने वन किया और हमने यहां पे लिखा ऑफसेट का, वही ऑफसेट फॉर्मूला पुराना अपना। आप सोचेंगे ऑफसेट फॉर्मूला तो बहुत यूज हो रहा है, इसलिए लास्ट टाइम ऑफसेट पे अपने इतना वो जोर लगाया था ताकि क्लियर हो जाए। जी समझ गए जी। अब इसकी जो है हम कॉपी करते हैं, अब क्या हो गया, ये हो गया। अब जो है ये चीज हमें चार्ट पे शो करनी है, राइट? तो आपको कुछ नहीं करना, वन बाय वन कॉपी करना है, यहां पे पेस्ट एज ए लिंक, लिंक किया और यहां पे इसको कर दिया। अब ये देखिए ग्रिड लाइन में लाइनिंग बना आ रहा है ना सर, मैं चाहता हूं लाइनिंग बना भी ना आए तो ग्रिड लाइन में जाइए, सबसे पहले पेज लेआउट में ग्रिड लाइन को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट एज ए यहां पे लिंक कर देता हूं, लिंक लिंक पिक्चर लिंक, ये कौन सा है, नॉर्थ का है, नॉर्थ दिल्ली में हमारा आता है, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है, राइट? जी नॉर्थ में, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया सर, नॉर्थ दिल्ली इसके वही हुआ, नॉर्थ दिल्ली हम लोगों में दोनों है, हम दोनों एक को एक ही मान रहे हैं ना। अच्छा। आपको जहां इसको रखना रख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। और फिर इसको पूजा को कॉपी कीजिए, हालांकि इसके लिए मैप चार्ट अब आ गया है तो इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों के जमाने में मैप चार्ट नहीं था सर, तो उस केस में हम लोग इस तरह का यूज करते थे। देखिए जरूरी है दिल्ली हो, कुछ और चीजें भी तो हो सकती है ना सर जी, प्रोजेक्ट मैप भी तो हो सकती है, जरूरी थी मैप ही हो, कुछ और भी तो हो सकती है। देन पेस्ट दिल्ली हमने उठाया और यहां पे हमने पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, और वापस हम बेस्ट दिल्ली पे आए और बेस दरी को इस पर सामने बड़ा कर दिया, इस पर डाल दिया। और पूजा जो है वो सबका सेम ही है तो हम सबने सेम ही डाल देते हैं, राइट जी। और उसके बाद फिर ईस्ट दिल्ली को कॉपी किया और ईस्ट दिल्ली के लिए हमने पेस्ट जैसे पिक्चर लिंक उठाया और हमने ईस्ट दिल्ली के ऊपर रख दिया, ठीक है। और पूजा को भी उठाते हैं और पूजा को भी सेम इस तरह से डाल देते हैं। अब साउथ के लिए आए, कॉपी करते हैं यहां से पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, उठाया हमने इसको बड़ा कर देते हैं और पूजा को भी उठा के हम इसी तरह से कर देते हैं, समझ गए? फिर आप हम इसको कॉपी करते हैं पेस्ट एज ए, इसको कॉपी करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक सेंट्रल के लिए, तो सेंट्रल में हम रख देते हैं यहां पे और पूजा था ही। ये जो सेंट्रल लिखा हुआ रहा है ब्लैंक रहता तो और बेटर रहता, तो आप इस तरह से ब्लैंक भी कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट सर जी। अब देखिए यहां पर अगर मैं टू करता हूं तो दूसरा मोहन का आ गया, थ्री करता हूं तीसरा का आ रहा जी जी जी,
आ रहा है ना सर, चेंज हो गया, चेंज हो रहा है जी, क्लियर है जी। हाँ, अब इसमें एक फायदा तो एक एक चीज तो आपने देख लिया, इस तरह से करते हैं। दूसरा हम ये करना चाहते हैं कि यहां पे नीचे मैं यहां पे एक चार्ट चाहता हूं, तो मैंने नेम को यहां से उठा लिया, नेम को उठा के यहां रखता हूं, और ये भी मैं 1 2 3 का लिखता हूं। और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम ऑफसेट का सेम फॉर्मूला लगाते हैं, ऑफसेट हमने इसको क्लिक किया कॉमा, हमने सॉरी इसको नहीं क्लिक करना, ऊपर वाले क्लिक करना, ऊपर वाले क्लिक किया कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने यहां पे जीरो कर दिया, और फिर हमने A1 को फ्रीज, नहीं A22 को फ्रीज करना हमने कर दिया। फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं। और ठीक है, ऑफसेट इसको सिलेक्ट किया हमने, इसको नहीं ऊपर वाले को सिलेक्ट किया कॉमा जीरो देते हैं, और कॉलम को सिलेक्ट करना है, हमने गलती कर दिया था सर, F4 इसको नहीं, ये तो सही रहेगा, इसको F4 करना है, ठीक है। अब यहां पे इसको हम नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं, राइट सर, ये आ गया। ये नॉर्थ का आ गया, अब 2 करूंगा साउथ का आएगा। अब इसी चार्ट को हम यहां पे रखते हैं इंसर्ट, और इसमें चार्ट बनाते हैं, चार्ट इस बार हम लाइन चार्ट नहीं, एक कॉलम जो बार चार्ट होता है, इस बार चार्ट को बनाते, इस बार चार्ट को हम यहां पे पैलेस करते हैं, और इसको हमने यहां से इसको रिमूव कर दिया, और यहां से इसको लाइन मूव कर देता हूं, राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाके फिल में नो फिल नो बॉर्डर लाइन, ठीक है, क्लियर है जी। ये जो इधर आ रहा है हम उसको उस साइड में करना चाहते हैं एक्सिस में, तो यहां पे आपके सामने आता है एक्सिस ऑप्शन में नेक्स्ट टू करके आता है, लेबल ऑप्शन नेक्स्ट टू हाई कर देता हूं, आ गया, ठीक है, इस साइड में आ गया ना जी। अब मुझे इसमें करना क्या है, इसमें मान लीजिए अपना डेटा भी दे देते हैं, आई क्लिक करके एड डेटा लेवल, डेटा लेवल भी आ जाएगा, सही रहेगा ना सर। अब इसमें मैं क्या करना है कि मैं अगर साउथ दिल्ली पे, इस पे साउथ दिल्ली पे क्लिक करता हूं तो साउथ दिल्ली का आ जाए, ईस्ट दिल्ली पे करता हूं तो ईस्ट दिल्ली का आ जाए, वेस्ट दिल्ली पे करता हूं तो वेस्ट दिल्ली पे आ जाए, बात समझे जी। बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें क्या है उसको, उसका कोई आइडिया तो नहीं है ना सर, इसके अंदर क्या है उसका कोई आइडिया तो है नहीं, क्योंकि ये तो इसका, ये तो एक एक, एक पी इमेज है, एक पूरा का पूरा क्या है, इमेज है जी। तो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें अब कितने हमारे पास है, साउथ वेस्ट ईस्ट है ना नॉर्थ है जी, इसके लिए मुझे उतने कोड लिखने पड़ेंगे, उतने माइक्रो, चार है ना, चार माइक्रो बनाना पड़ेगा, ठीक है, कैसे बनाते हैं चलिए जी। हम विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं और इसको हम, तो फंक्शन में हम आते हैं, यहां पे फंक्शन है, मॉड्यूल्स में, माफ कीजिएगा,
मॉड्यूल्स में आते हैं, और मॉड्यूल्स में आने के बाद हम यहां पे करते हैं सब्जेक्ट नॉट क्लोज, और हमने बोला यहां पर क्या है ए 22, तो रेंज ए 22 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। बस इसी के नॉट के जगह पे कर देना है बेस्ट, और 1 के जगह पे कर देना है 2, राइट सर जी, और बेस्ट के जगह पे कर देना है ईस्ट, और 2 के जगह पे 3, ये आपका ईस्ट के जगह पे हो गया हमारा साउथ, और ये हो जाएगा आपका 4 सेंट्रल, ये आपका हो जाएगा सेंट्रल, और ये आपका 4 के जगह हो जाएगा 5, राइट। अब इस पे हम कैसे असाइन करें, ये तो हो गई हमारी, अब आते हैं वापस इसमें, अब इस पे असाइन कैसे करें, मतलब कि यहां पे ये तो पूरा एक इमेज है, अगर हम असाइन मैक्रो करते हैं तो पूरा का पूरा आएगा ना सर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज में जाते हैं, यहां पे विश्लेषण में जाते हैं, एक शेप लेते हैं, एक गोलाकार या चकोर जितना जो भी चाहिए हम शेप ले लिए यहां पे, राइट सर, और उसके हिसाब से पैलेस कर दिया। लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो फिर पीछे रहेगा तो कुछ दिख ही रहा है ना सर, नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको फॉरवर्ड लेंगे, फॉर्मूला में इसको कर देते हैं नो फिल एंड नो लाइन, तो इसमें सैफ है किसी को पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन इस पे हमने इस सॉरी हट गया, सॉरी पे हट गया, नो फिल नो लाइन कर दिया तो इसका कोई अस्तित्व भी नहीं रहा है, हट गया फिर सिलेक्ट ही नहीं पा रहा, तो फिर दोबारा से कर लेते हैं, हाँ पिक्चर बाद में वो फिल बाद में हटाएंगे, ठीक है। तो हम यहां से लेते हैं और इसको पूरा का पूरा ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है सर, बड़ा कर देते हैं, एरिया कवर कर लीजिए ताकि हो। इस पे राइट क्लिक हम कर देते हैं असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो में एक कौन सा है हमारा, कौन सा था सर, ईस्ट था ना, ये हमारा नहीं ईस्ट नहीं है, ये हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट इसको नॉर्थ लेके चलते हैं, नॉर्थ दिल्ली नॉर्थ वेस्ट सब एक ही है ना यहाँ पे सब, हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है, ये पूरा लेके चलते हैं, ये पूरा ठीक है सर, इस पे असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो में हमने इसको नॉर्थ को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अभी क्या होगा कि इस पे क्लिक करते ही आपका देखिए नॉर्थ का आ गया, अब इसके हमने शेप फॉर्मेट में नो फिल नो लाइन नो फिल, अभी दिख नहीं रहा लेकिन इस पे कर्सर हट गया यहाँ से, हट गया यहाँ से, पापा की इमेज हट के जा रहा है, सर लेटेस्ट वर्जन में बहुत चेंजिंग हुए हैं समझे, पहले ये जो चीज हम पहले यूज करते थे तो ये हो जाते थे, तो इसका एक और उपाय है कि हम इसका कलर सेम रखेंगे, समझे, इसकी कलर नो फिल कर देते हैं, लाइनिंग वाले में तो
इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करके नॉर्थ का असाइनमेंट बता देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेगा नॉर्थ कर आएगा, इस पर क्लिक करेगा नॉर्थ कर आएगा, ठीक है आ गया नॉर्थ से गाँव। इस तरह से मान लीजिए मैं ईस्ट और किन्नर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेस्ट है ना, राइट क्लिक करता हूँ असाइन माइक्रो और इसको वेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वेस्ट आएगा, लेकिन इसके सर्कल पे आना चाहिए क्योंकि ये जो है सबसे लास्ट में है ना, इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ यहाँ पे, सेंड टू बैक। आ तो आया सर, हाँ ठीक है, ये आपने समझ गया ना कि कैसे करना है इसको? जी जी जी, कंसेप्ट में समझ गया हूँ। कंसेप्ट समझ गया ना, तो एक लिस्ट आ जाएगा और यहाँ पे ये भी आ जाएगा। उसके बाद आप जो ये सिलेक्शन करने वाला ये है उसको मैं आप यहाँ पे क्लिक करते ही आपका नेम चेंज हो जाए, वो चीजें कर दीजिए क्या जी, जो हमने पहले क्लास में की थी। तो और ओवरऑल आपने समझ गए कि हम वीवी का इस्तेमाल माइक्रोस के लिए कैसे करते, राइट? माइक्रोस का इस्तेमाल डैशबोर्ड में उसको कैसे अप्लाई करेंगे। जी जी जी, तो इसी तरह से इसका यूज भी कर सकते हैं, समझे जी। तो आपकी एक कल एक और क्लास हम देंगे जहां पे हम ऑब्जेक्ट वगैरह का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, और कल हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें हम एक्सेल और वीवी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, ठीक, तो मिलते हैं कल जानकारी। ठीक है सर।